Hello everyone, welcome back. Today in this video we are going to understand the concept of e-commerce and the models of e-commerce. Model of e-commerce is also known as e-commerce business models or e-commerce solutions. So let's start. Okay, meaning of e-commerce. E-commerce is used to refer to all the commercial transactions conducted electronically by the internet. जब हम कोई भी online transaction करते हैं, कोई भी goods and services को buy करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? E-commerce, electronic commerce, which is also known as online commerce also and e-commerce. तो हम अगर कोई भी goods and services को electronically buy कर रहे हैं, उसकी payment कर रहे हैं, information share कर रहे हैं electronically, तो वो सारा जो commercial transactions हो रही हैं, सारा process हो रहा है electronically with the help of internet, तो हम उसको क्या बोलेंगे? E-commerce. If you have bought or sold anything online, you already been involved in e-commerce. तो आप क्या कर रहे हो? कुछ भी खरीद और बेच रहे हो electronically, तो आप क्या होंगे? E-commerce के बीच involved हो रहे हो. E-commerce कहलाया जाएगा वो सारा process. आज हम इस वीडियो में करेंगे business to consumer model, जिसको हम बोलते हैं B2C. B2C e-commerce refers to the distribution of goods and services from the business to the member of the public who are its customers. Customer ko jab koi organization kya karti hai, goods and services ki transaction karti hai, distribution karti hai electronically, to hum kya usko bolte hain? B2C e-commerce model. तो अगर कोई बिजनेस डायरेक्टली लिंक में आ रहा है कस्टमर के, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को, तो हम उसको क्या बोलेंगे? B2C मॉडल. It is one of the earliest form of e-commerce and has grown massively in the last two decades, has observed from retail giant Amazon. तो आप इसको देख सकते हो कि Amazon ने कितने साथ तरक्की कर ली, Amazon को कितने लोग prefer करते हैं. तो एक ये example है B2C model की, कि यहाँ पे एक तरह से customer and जो business organization है direct link में आती हैं. तो हम इसको बोल रहे हैं कि अभी कितनी सारी ग्रोथ हो चुकी है इलेक्ट्रॉनिकली जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अमेजोन हो गया, अभी ईबे हो गया हमारा, फ्लिपकार्ट हो गया, तो ये यहाँ पे इनकी ग्रोथ हो रही है. तो यहाँ से क्लियर होता है कि अभी B2C मॉडल है वो कितना कॉमन हो चुका है सभी के लिए. यहाँ पे क्या है? दो एंटिटीज़ हैं, बिजनेस एंड कंज्यूमर. अगर कोई बिजनेस अपने गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है कस्टमर को, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस टू कस्टमर मॉडल, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल. बच्चे इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें एक पार्टी कस्टमर है, यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे बिजनेस की वेबसाइट है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फॉर एग्जांपल कोई भी फ़ोन बाय करना है इलेक्ट्रॉनिकली, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर प्लेस करते हो वेबसाइट के ऊपर जाके. यहाँ पे आप वेबसाइट के ऊपर गए, आपने क्या किया? ऑर्डर प्लेस कर दिया. फिर उसके बाद सेकेंडली ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है. जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसकी वेबसाइट से कि ये कस्टमर है, ये उनका एड्रेस है, उन्होंने ये फ़ोन को ऑर्डर किया है, ये कलर का ऑर्डर किया है फ़ोन. तो सारा ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है. फिर उसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? उस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करके, पैक करके क्या कर देती है? कस्टमर को सप्लाई कर देती है. ये था हमारा B2C मॉडल, मोस्ट ईजी एंड कॉमन मॉडल ऑफ ई कॉमर्स. आगे एडवांटेजेस ऑफ B2C मॉडल है. तो इसकी फर्स्ट एडवांटेज है कि वर्ल्ड वाइड हम अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, इसका कवरेज एरिया वाइड है. सेकंड है कि हम अपने विजिटर्स को क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं कस्टमर्स में. हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली मार्केटिंग करके, कि वो हमारे कस्टमर्स बन जाएं लॉन्ग टर्म के लिए. आगे है कि हम क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन अपने जो स्टोर्स हैं, ऑनलाइन अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स. बच्चे अगर हमारा कोई बिजनेस है, फॉर एग्जांपल हमने अभी न्यू एंट्री की है अभी मार्केट में, तो मे बी कस्टमर कम प्रेफर करें हमारे प्रोडक्ट को. बट अगर ई-कॉमर्स जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, रेपुटेटेड है ये, यहाँ पे है कस्टमर को कि हाँ फ्लिपकार्ट से अगर बाय करेंगे तो हमें अच्छा ही प्रोडक्ट मिलेगा, क्वालिटी वाइज अच्छा होता है, ये हमारी कभी थिंकिंग होती है. समटाइम्स हमने, हमारा एक्सपीरियंस भी कहता है हमें कि हाँ फ्लिपकार्ट से बाय करेंगे तो हमारे साथ मे बी कम चांसेस है फ्रॉड के, जब कुछ भी है. तो अगर रेपुटेटेड टॉप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का हम यूज़ करेंगे तो कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं और हमारे प्रोडक्ट को इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं हमारे प्रोडक्ट के ऊपर. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन बिजनेस में ई-कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये भी हमारे लिए वन ऑफ द एडवांटेज हुई.
जो स्मॉल एंड मिड साइज बिजनेस है वो ग्रो कर सकते हैं क्विकली थ्रू दिस मॉडल। तो वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कस्टमर के साथ लिंक में आते हैं और कस्टमर को अपनी गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ B2C मॉडल। आगे उसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस इलेक्ट्रॉनिकली कस्टमर के साथ लिंक में आती है B2C मॉडल में अपनी ट्रांजेक्शंस कर रही हैं, वहाँ पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन उनको फेस करना पड़ता है। क्लियर, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए, बिकॉज सभी अभी तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या कर रही हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस कर रही हैं। तो ये आप देख सकते हो कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है वहाँ पे, ये इसकी डिसएडवांटेज है। आगे है कि आपकी जो भी वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हो, वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, सारी वेबसाइट्स को हैंडल भी करना पड़ता है कि आपके जो मल्टीपल ऑर्डर्स हैं, समटाइम कितने सारे थाउजेंड लैक्स में ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो उनको हैंडल करना समटाइम्स टफ हो जाता है अगर आपके बिजनेस को अच्छे से मैनेजमेंट नहीं करनी आ रही वहाँ पे। तो ये एक तरह से है कि वेबसाइट्स नीड्स टू बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मल्टीपल ऑर्डर्स एडवांस। आपको समटाइम्स मल्टीपल ऑर्डर आ जाते हैं, उसको मैनेज करना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, ये इसके डिसएडवांटेज है। आगे है जो आपके मार्जिन है, जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है, समटाइम्स वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है एज कम्पेयर टू B2B वेबसाइट्स। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस में क्या है, बिजनेस एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, वो बल्क में बाय करते हैं। तो यहाँ पे हम कस्टमर के साथ कर रहे हैं तो कस्टमर बल्क में तो बाय करेगा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करते हैं, एक यूनिट बाय करता है, दो यूनिट बाय कर लेगा। तो यहाँ पे हमारा जो मार्जिन है एज कम्पेयर टू B2B वेबसाइट्स है वो कम होता है, ये इसकी थर्ड लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज। आगे है जो आपके कस्टमर्स हैं उनको आपने क्या करना है, ऑनलाइन आपने उनको अट्रैक्ट करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो आपके ही वेबसाइट के ऊपर आए, आपके ही प्रोडक्ट को बाय करे, तो आपको इसके लिए कितने सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और ये डिफिकल्ट टास्क है, वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क है एक। और आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, जो कि को फ्री कॉस्ट तो होती नहीं है, उसके लिए भी कॉस्ट आती है। तो आप इसमें एक्सपेंसिव भी लिख सकते हो और आप लिख सकते हो कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ये था हमारा B2C मॉडल। इफ एनीवन हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। गुड लक, हैव अ नाइस डे।